सीएम केसीआर ने मुनगोड़ में एक जलसे में हिस्सा लिया। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुनगोड़ जलसे में अवाम से खिताब करते हुए कहा कि वो अवाम की हिम्मत और भरोसे पर ही बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। साथ ही साथ केसीआर ने कहा कि अगर अवाम कमजोर पड़ गई तो वो मोदी के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ेंगे। केसीआर ने अवाम से कहा कि वो इंतखाब से ना घबराएं, बल्कि ये जान लें कि बाय इलेक्शन उनकी भलाई के लिए है। केसीआर ने बीजेपी को बेनकाब करने के लिए सभी को एक हो जाने पर जोर दिया और सवाल किया है कि क्या बीजेपी ने 8 सालों में एक भी अच्छा काम किया है। मरकजी हुकूमत बीजेपी की कारकर्दगी निशाने तनखीद बनाते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत अवाम का भला नहीं कर रही है, बल्कि सरकारी इदारों को बेच रही है, बल्कि बैंक लूटने वाले अफराद को बाख्तियार बना रही है। केसीआर ने याद दिलाया कि टीआरएस हुकूमत 24 घंटे बर्फी फरहम करने का वादे को पूरा किया है। सभी तबकों की हिमायत करते हुए रियासत को बेहतर बनाने के लिए मिलजुल कर इकदाम किए जा रहे हैं। केसीआर का कहना है कि सरमायादाराना हुकूमत को बाहर निकालने से मुल्क की तरक्की होगी। उन्होंने टीआरएस की तायद करने वाली जमातों से इजहार तशक्कुर किया, कहा कि मुस्तकबिल में भी सीपीआई सीपीएम और टीआरएस मिलकर मुकाबला करेंगे और वहां पर मौजूद अफराद से कहा कि कल आने वाले मरकजी वजीर अमित शाह से कृष्णा के पानी के मसाइल के बारे में दरियाफ्त करने और सवाल करने के लिए इन्होंने अवाम से कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एचए न्यूज। రేపు మునుగోడుకు వస్తున్నావా సమాధానం చెప్పు బిడ్డ అమిత్ షా, ఏం కారణమో చెప్పు. ఏ గడ్డ మీద నేను మాట్లాడుతున్నా, ఇదే గడ్డ మీద నువ్వు రేపు మాట్లాడతావు. నీ బొమ్మలు కాదు మాకు కావాల్సింది, నీ బొమ్మలు మత్తగా చూసినాం మేము, నీ తాత జయజమ్మ బొమ్మలు కూడా చూసినాం మేము. కొట్లాడు తెలంగాణ కొత్త కాదు, కొట్లాడ మొదలు పెడితే యాందాకైనా సరే కొట్లాడతాం. ఎందుకు కృష్ణా జలాలలో మా వాటా తెలుస్తలేరు? 8 ఏళ్ళ ఉన్న 15 ఆగస్టు నాడు ప్రధానమంత్రి మాట్లాడితే మైకులు వలిపోయింది. ఒక్క మంచి మాట ఉన్నదా? ఏహెచ్ఏ న్యూస్ కో లైక్ కరే, షేర్ కరే ఔర్ సబ్స్క్రైబ్ కర్నా నా భూలే.